बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने YouTube चैनल जॉब्स रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं, वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। गवर्नमेंट की जानिब से जो ज़बरदस्त किस्म की नौकरियों की अनाउंसमेंट की जा चुकी हैं, तो दोस्तों जॉब पर अप्लाई करने के लिए मैं जिन स्टेप्स को आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना कोई भी एक अदद ब्राउज़र ओपन करें, जैसे कि मैंने गूगल के ब्राउज़र को ओपन किया और इस ब्राउज़र के सर्च बार में आए और यहाँ आने के बाद आप लोगों ने लिखना है 8171.info। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस वेबसाइट को लिखेंगे और आप इसको सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके बाद इन वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को NTS की एजुकेटर्स की नौकरियां देखने के लिए मिल जाएंगी और इसके अलावा आप लोगों को रेस्क्यू में नौकरियां देखने के लिए मिल जाएंगी। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं एहसास कफालत प्रोग्राम की जानिब से डबल किस का आगाज़ भी हो चुका है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ही वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को बेशुमार डिटेल्स मिल रही हैं देखने के लिए। तो अब आप लोगों ने इन डिटेल्स को एक्सेस करना है, NTS एजुकेटर्स जॉब 2024। तो उसके लिए आप लोग इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब की डिटेल ओपन हो जाएंगी। तो जैसे ही डिटेल्स ओपन होंगी, NTS में शानदार नौकरियों का ऐलान हो गया है, NTS की जानिब से भी नौकरियां आ चुकी हैं और उसके लिए आप लोग NTS एजुकेटर की जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एजुकेटर्स की जॉब्स की डिटेल्स आ जाएंगी और इन डिटेल्स को आप लोग पढ़ेंगे तसल्ली के साथ। BPS 14 की, BPS 15 की और BPS 16 की नौकरियाँ हैं जो कि एक तरीके के साथ, एक सीक्वेंस के साथ अनाउंस की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत ही लंबा अरसा वेट करने के बाद आखिरकार इस वेट को ख़त्म होना ही था और ये वेट ख़त्म हो भी चुका है। तो और इसकी बाकायदा एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। NTS एजुकेटर्स की नौकरियां हैं और इन नौकरियों की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं और उसके बाद आप लोगों के दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी नौकरियाँ हैं। ESC एजुकेटर्स की नौकरियां हैं, SESE एजुकेटर्स की नौकरियां हैं, SSS की नौकरियां हैं, EST की हैं, PST की हैं और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं SSC इंग्लिश की हैं, SSC मैथ की हैं, साइंस की हैं, आर्ट्स की हैं और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं AEO की नौकरियां मौजूद हैं, PT टीचर्स की हैं, फिज़िक्स की हैं, केमिस्ट्री की हैं, बायो टीचर्स की नौकरियाँ मौजूद हैं। क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, MA वाले, MSc वाले, BEd वाले, ग्रेजुएशन वाले, BS वाले और इसके अलावा जिन लोगों की डिग्री कंटिन्यू है वो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कंटिन्यू है मास्टर की फील्ड में है, MPhil PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज भी मेंशन है, 21 से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल 21 से लेकर 43 साल तक की अप्लाई कर सकती हैं और उसके अलावा ट्रांसजेंडर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस शहर की नौकरियाँ आएंगी उसी शहर का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंशन की गई हैं, अटक की नौकरियाँ कितनी हैं, फीमेल की कितनी हैं, फ़ीमेल की कितनी हैं, भावलनगर की कितनी हैं, बहावलपुर की हैं, भक्कर की हैं, चकवाल की हैं, चनियोट की हैं, DG खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफिज़ाबाद, झंग, जहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लाहौर, लिया, लोधरा, मंडी, भाउद्दीन, मियाँवाली, मुल्तान, मुजफ़्फ़रगढ़, ननकाना साहब, नारोवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, साहेवाल, सरगोधा, शेखोपुरा, सियालकोट और ये कोई टोबा टैक्सिंग आ जाएगा और उसके बाद बिहाड़ी की नौकरियां मौजूद हैं। अब आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप लोग इस वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप हो जाएंगे NTS की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आएंगे, ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये एक या दो दिन के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट अपलोड हो जाएगी और उसके बाद आप लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नौकरियों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी रहनुमाई कर दूँगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और 8171.info का लफ्ज़ अपने जहन में बिठा लीजिएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को डेली बेसिस पर कफालत प्रोग्राम के प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाया करेंगी। तो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, आप लोग इस वेबसाइट का नाम बिल्कुल याद रखें, डेली बेसिस पर सर्च करें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। बाकी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी एक और अच्छी सी जॉब की या कोई भी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए आप सब लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।